मेरा ये सवाल था, जैसे अभी लोग तरावी पढ़ते पढ़ते जब तरावी हो जाती है 8 रकात, तो फिर 3 रकात वितर को छोड़ दिया करते हैं जो सुबह अदा करते हैं तहज्जुद के साथ। तो क्या ये सही तरीका है कि आप तहज्जुद और तरावी ऐसा दो पढ़ सकते हैं और सुबह भी फिर अगर 8 रकात सुन्नत पढ़ के? पे, अगर सुन्नत पे अमल करने का जज्बा है, अगर आप ये मानते हैं, आपका ये मनहज है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को मुकद्दम करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे, तो आपको 11 से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। आपने 11 पढ़ लिया, वितर हो गया, अब आप कोई और नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको पूरी रात नमाज पढ़ने का शौक है, तो इसी 11 को लंबा करके पढ़ें, यानी इमाम को छोड़ दें, आप घर पे आए और खूब लंबा करके आप तरावी को पढ़ें, यानी 2 रकत पढ़ें खूब लंबी पढ़ें, या 4 रकत पढ़ें खूब लंबी पढ़ें, फिर 4 रकत पढ़ें खूब लंबी, फजर तक ले जाएं। तो अगर आपको नमाज पढ़ने का ज्यादा, आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, तो आप इसी को लंबा करें, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रात पढ़ाई थी, और तीनों रातों में जो दौरानिया था नमाज का वो अलग अलग था। पहली रात सुलसे लेल तक पढ़ाई, दूसरी रात निसफे लेल तक, तीसरी रात तकरीबन पूरी रात तक। तो आपने क्या किया, आपने रकतों की तादाद नहीं बढ़ाई, आपने जो दौरानिया है ना किरत की जो मुद्दत है वो बढ़ा दिया। तो अगर आपको ज्यादा पढ़ने का शौक है, तो आप जो है कयाम है उसको लंबा करें, लेकिन बाद में जाके कुछ और ना पढ़े। देखिए तिरमिजी की रवायत में ये भी है ना, अगर आपको पढ़ना है तो घर पे जाके और पढ़े, वरना आपकी तसल्ली के लिए अगर इमाम ने मान लो खत्म कर दिया आधी रात तक, और आधी रात तक भी आपने तरावी खत्म कर दी, तो ये बात याद रखिए, सुनन तिरमिजी की रवायत है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी रात तक तरावी पढ़ाई, तो सहाबे कराम ने उस रात में, जिस रात आधी रात तक तरावी हुई थी, तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये और अभी रात बाकी है, तो काश आप हमें बकिया रात तक भी पढ़ा देते तो कितना अच्छा होता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इमाम के साथ तरावी पढ़ लेते ना, इमाम के साथ जो क़याम कर लेता है, तो समझो पूरी रात क़याम का उसको सवाब मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनफ है, काफ़ी, अगर आपने इमाम के साथ पढ़ लिया, तो हदीस में बशारत मौजूद है कि पूरी रात क़याम का सवाब आपको मिल जाएगा। इसलिए अगर हमने 11 पढ़ लिया है, तो उसके अलावा मजीद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह की भी यही राय है कि उसके आगे और नहीं पढ़ना चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की भी यही राय है, उसके आगे कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए। बल्कि मैं बात खत्म करूंगा, बात लंबी ना हो, खुद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने बाजाबता एक इमाम के साथ सबको जमा कर दिया, वो खुद उस जमात के साथ तरावी नहीं पढ़ते थे। खलीफे दोम उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु उस जमात के साथ, जिनको उन्होंने खुद कायम किया था, उनके साथ तरावी नहीं पढ़ते थे। वो घर जाके अलग पढ़ते थे। क्यों? वो कहते थे क्योंकि वो ईशा के बाद फौरन वो जमात खड़ी हो जाती थी, और उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि मुझे जो आखिरी, यानी रात का जो आखिरी हिस्सा, उसमें मैं क़याम करूंगा। तो चूंकि रात के आखिरी हिस्से में उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ना होता था, इसलिए वो शुरू की तरावी छोड़ देते थे। आप जरा सोचें कि अगर तरावी के बाद अलग से तहज्जुद पढ़ने की गुंजाइश होती, या वो बेहतर तरीका होता, तो खुद खलीफे दौम उस पर अमल करते, यानी तरावी इमाम के साथ, यानी जो जमात हो रही थी उसी जमात के साथ आप तरावी पढ़ लेते, उसके बाद जब घर जाते तो तहज्जुद भी पढ़ लेते। लेकिन खलीफे दौम ने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी सहाबे करा, यानी नबी की जिंदगी में हम देखते तो नबी ने भी पूरी रात तरावी पढ़ी, लेकिन तहज्जुद नहीं पढ़ा। सहाबा में जो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला, जिनका नाम तरावी के हवाले से सबसे ज्यादा मारूफ है, उनकी जिंदगी में हम देखते हैं तो उन्होंने भी तरावी जाके लास्ट में पढ़ी, लेकिन शुरू में तरावी नहीं पढ़ी। तो नबी की सुन्नत से, सहाबे कराम के आसार से पता चलता है कि तरावी हमने पढ़ ली है, तो अब और कोई नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। iPlus TV ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जजाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।